माताओ एवं बहनो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, ऐसी प्रगति के क्या लक्षण है, ये किस प्रकार बोलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं आदि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो कामनाओं का त्यागी आत्मा द्वारा आत्मसंतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से दुखी सुखी न होने वाला, मनोविकारों से रहित और स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थिर प्रज्ञ होती है, संत होती है। उदाहरण क्या दिए, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोखले में समेट लेता है, उसी तरह जो इंद्रियों को उनके विषयों समेट लेता है, अर्थात इंद्रियों के अंदर चेतन धाराओं को केंद्र समेट लेता है, वे स्थित प्रज्ञ पासंत होती है। जो अपनी चेतन धाराओं को केंद्र में समेट लेता है, वे होते संत। ऐसे हम लोगों के गुरु महाराज थे, जागृत शरीर में है और अपनी स्वर की धाराओं को अपने केंद्र में समेट लेती थी। इनके संबंध में कुछ भी कहा जाएगा वह बहुत थोड़ा, इनके संबंध में कुछ भी कहा जाए कहते कहते अंत हो जाए, कहने वाले का अंत हो जाएगा, नहीं कह सके। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मही पत्र करी सिंधु मसी तरुण लेखनी बन राय, तुलसी गणपत सो तदपि तदपि लिखा न जाए। मतलब सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, समुद्र को स्याही बना लिया जाए, कल वृक्ष का कमल कलम कमल बना तो कलम बना लिया जाए, लिखने वाले गणेश जी हो जाएं, फिर भी संत के महिमा को कोई लिख करके अंत नहीं कर सकती, कोई कह नहीं सकती है। हृदय की वाणी में है, गुरुगुण अमित अमित को जाना, संक्षेप है सब करत बखान। कितना भी कहेंगे संक्षेप ही में कहा जाएगा, पूरा नहीं होगा। अभी हम लोग गुरुदेव संबंधी बात बहुत बातों को सुने, अच्छा लगा। तो देखिए गुरुदेव की महिमा कोई कहकर समाप्त कर नहीं सकती है, हाँ उनसे कुछ निवेदन कर सकती है। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, निवेदन यह करता हूँ, हम जितने सत्संगी भाई बहन हैं, ऐसी कृपा करें सबकी सूरत की धार सिमट करके केंद्र में एकत्रित हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन संत ऐसा कर सकते हैं, शिष्य के सूरत को केंद्र में समेट कर घुसा सकते, ऐसा संत कर सकते हैं, यही मेरी प्रार्थना है। इसके साथ साथ है हम लोग आपस में मिलजुल करके सत्संग ध्यान करते रहें, कहीं कह करके मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।